तो हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया का दो मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पावरफुल बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक है ट्रायम्फ रॉकेट 3 और एक है डुकाटी ड्रेवेल 1260। तो इन दोनों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमें नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। तो प्राइस के बारे में बात करें तो रॉकेट 3 आपको 18 से 19 लाख तक मिल जाता है एंड डेविल 1260 आपको 17.70 लाख से लेके 19.25 लाख तक मिल जाता है। तो प्राइस के मामले में रॉकेट 3 थोड़ा सा कम प्राइस में आपको मिल जाता है। तो इंजन के बारे में बात करें तो रॉकेट 3 में आप 2458 सीसी 3 सिलेंडर 9 वाल्व 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। डेविल 1260 में आपको 1262 सीसी 2 सिलेंडर 8 वाल्व 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो इंजन के बारे में रॉकेट 3 में आपको बड़ा इंजन मिल जाता है एंड एक सिलेंडर ज़्यादा मिल जाता है। कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो रॉकेट 3 में आपको वाटर कूलिंग मिल जाता है एंड डेविल 1260 में आपको लिक्विड कूलिंग मिल जाता है। कूलिंग के मामले में डेविल ज़्यादा अच्छा है। पावर एंड टॉर्क के बारे में बात करें तो रॉकेट 3 में आपको पावर मिल जाता है 165 bhp 6000 rpm पर एंड टॉर्क मिल जाता है 221 नैनोमीटर 4000 rpm पर एंड डेविल 1260 में आपको पावर मिल जाता है 162 bhp 9500 rpm पर एंड टॉर्क मिल जाता है 129 नैनोमीटर 7500 rpm पर। तो पावर एंड टॉर्क के मामले में रॉकेट 3 ज़्यादा अच्छा है। टैंक कैपेसिटी एंड माइलेज के बारे में बात करें तो रॉकेट 3 में आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है 18 लीटर का एंड माइलेज मिल जाता है 14.7 kmpl का एंड डबल 1260 में आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है 17 लीटर का एंड माइलेज मिल जाता है 18.50 kmpl का। तो रॉकेट 3 में आपको टैंक कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाता है एंड डबल 1260 में आपको माइलेज ज़्यादा मिल जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो रॉकेट 3 में आपको डुअल चैनल नेविस के साथ फ्रंट में 320 mm 4 पिस्टन डुअल डिस्क एंड रियर में 300 mm 4 पिस्टन सिंगल डिस्क मिल जाता है एंड डबल 1260 में आपको डुअल चैनल नेविस के साथ फ्रंट में 320 mm 4 पिस्टन डुअल डिस्क एंड रियर में 265 mm 2 पिस्टन सिंगल डिस्क मिल जाता है। तो ब्रेकिंग के मामले में रॉकेट 3 ज़्यादा अच्छा है। वेट एंड सीट हाइट के बारे में बात करें तो रॉकेट 3 में आपको वेट मिल जाता है 291 kg का एंड सीट हाइट मिल जाता है 773 mm का एंड डबल 1260 में आपको वेट मिल जाता है 223 kg का एंड सीट हाइट मिल जाता है 780 mm का। वेट के मामले में डबल 1260 ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं टॉप स्पीड के बारे में। तो रॉकेट 3 में आपको टॉप स्पीड मिल जाता है 225 किलोमीटर पर आवर का एंड डबल 1260 में आपको टॉप स्पीड मिल जाता है 270 किलोमीटर पर आवर का। तो टॉप स्पीड के मामले में डबल 1260 ज़्यादा अच्छा है। 0 to 100 के बारे में बात करें तो रॉकेट 3 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ता है 2.79 सेकंड में एंड डबल 1260 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ता है 3 सेकंड में। 0 to 100 के मामले में रॉकेट 3 ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा कंपैरिजन खत्म होता है। अब आता है रिजल्ट में। तो अगर आपको टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप डबल 1260 ले सकते हो और अगर आपको फन टू राइड बाइक चाहिए, मतलब क्विक पिकअप बाइक चाहिए, तो आप रॉकेट 3 ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और हम सभी का चैनल मल्टी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पास में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो गुड बाय दोस्तों, फिर से मुलाकात होगा किसी और एक दिन और एक वीडियो में।